जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय को संबोधित ज्ञापन ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक के नेतृत्व में 9 सूत्रीय मांग पत्र देते हुए पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते जहां व्यवसाय ठप सा पड़ा हुआ है, दूर दराज महानगरों से आने वाली ट्रेनें रोकी गई हैं, बरसात के कारण क्षतिग्रस्त सड़कें आदि से ऑटो रिक्शा चालक पूरी तरह से त्रस्त है। वहीं सरकारी प्राइवेट बैंक वाले अपने किस्तों के लिए भयंकर दबाव बनाते हुए उत्पीड़न कर रहे हैं और कोरोना महामारी के दूर का लाभ लेते हुए चेकिंग आदि के नाम पर विभिन्न थानों में पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध वसूली कर जनता को त्रस्त किया जा रहा है। हमारी मांगे, ऑटो रिक्शा चालकों मालिकों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न बंद किया जाए, वर्तमान महामारी के चलते मास्क और सामाजिक दूरी का पालन कड़ाई से कराया जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में जब तक सड़क ठीक ना हो जाए तब तक ऑटो रिक्शा वाहन से कोई रोड टैक्स ना दिया जाए, वह कोरोना महामारी संक्रमण काल तक आरटीओ में कोई टैक्स ना लिया जाए और ना ही कोई विलंब शुल्क लिया जाए, कोरोना महामारी के नाम पर जनता का उत्पीड़न बंद किया जाए और ना ही अवैध धन उगाही किया जाए। आजमगढ़ जनपद के विभिन्न बाजारों में पुलिस संरक्षण में ऑटो रिक्शा चालकों से अवैध वसूली बंद की जाए। सभी महानगरों से आजमगढ़ में आने वाली ट्रेन को नियमित रूप से मास्क और सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए चलाया जाए। सरकार द्वारा रेलवे प्लेटफार्म का बढ़ा हुआ टिकट दर ₹50 वापस लिया जाए, जो अमानवीय है। सरकारी व निजी बैंकों के किस्तों की अदायगी को महामारी के संक्रमण काल तक स्थगित किया जाए। ऑटो रिक्शा चालकों के लिए आजमगढ़ जनपद के हर बाजार में पार्किंग की व्यवस्था की जाए, अन्यथा हमारा संगठन भविष्य में 1 सप्ताह बाद किसी भी समय आंदोलन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर समिति के संरक्षक प्रभु नारायण पांडे प्रेमी, अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक, महामंत्री छोटेलाल, संगठन मंत्री शाहिद अहमद, मंत्री हलधर दुबे, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, वर्तमान ऑटो रिक्शा चालक लोग उपस्थित रहे। चालकों का उत्पीड़न बंद किया जाए और महामारी के समय में आप मास्क और सामाजिक दूरी का अनुपालन कराएं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात है, हम लोग टैक्स देते हैं, करोड़ों करोड़ों का टैक्स देते हैं, लेकिन एक भी सड़क ठीक नहीं। तो हमारा कहना है कि अगर सड़क ठीक नहीं रखते हैं तो आप हमसे रोड टैक्स मत लें और किसी भी गाड़ी से टैक्स मत लीजिए। जो गाड़ी टैक्स देती हो, सड़क ठीक करिए तो फिर टैक्स लीजिए, क्योंकि सड़क आप रानी सड़क देख ही रहे होंगे, गोरखपुर से बनारस तक का सड़क देख रहे होंगे, विंध्याचल जाते समय सड़क देख रहे होंगे। और साथ साथ हमारा ये कहना है कि आजमगढ़ जनपद के विभिन्न बाजारों में पुलिस के संरक्षण में अवैध वसूलियां हो रही हैं, ये अवैध वसूलियां बंद होनी चाहिए। और हमारा कहना है कि महानगरों से जो ट्रेनें आ रही हैं, जो पहले आती थी, वो ट्रेनें आवें, क्योंकि जब कुछ लोग चल रहे हैं तो फिर उनको रोकने का क्या मतलब, सामाजिक दूरी और मास्क लगा करके जब चल सकते हैं तो वो ट्रेनें आवें जहाँ सबका रोजी रोटी चले। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप रेलवे के प्लेटफार्म का टिकट ₹50 कर दिया गया, ये बहुत बड़ा अन्याय। सामान्य व्यक्ति अगर कोई अपने परिवार को पहुंचाने जाएगा तो ₹50 का प्लेटफार्म टिकट देगा, कितना बड़ा अन्याय। अभी किस तरह से लोगों को खाने को रोटी नहीं मिल पा रही है और इस तरह से जो है उत्पीड़न किया जा रहा है जनता का, इसे बंद किया जाए। और जब से महामारी फैली है लोगों का रोजी रोटी बंद है, लेकिन प्राइवेट बैंक सरकारी बैंक घरों पर जाके दस्तक दे रहे हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय से कई बार कह दिया, इसके बावजूद भी अभी तक ये प्राइवेट बैंक और ये सरकारी बैंक अपनी वसूली रोक नहीं रहे, गुंडों को भेज करके पैसा जबरदस्ती वसूली कराया जा रहा, इसलिए इस पर जो है नियंत्रण किया जाए। जब तक ये महामारी का संक्रमण हो तब तक रोका जाए, और कई देशों में रोका गया तो भारत में क्यों नहीं रोका जा सकता है। ऑटो रिक्शा चालकों को हर बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था दी जाए, क्योंकि पार्किंग के नाम पर जबरदस्ती पुलिस वाले पैसा वसूल रहे हैं, वहाँ खड़ा करके बड़ा 20-20 रुपया, 25-25 रुपया, 30-30 रुपया, 40-40 रुपया ले रहे हैं। अगर नगर पालिका का पैसा हाई कोर्ट के आदेश से रोका गया तो यह भी पैसा इसके बाद हमको अगर कोर्ट में जाना पड़े, इसलिए इसको रोका जाना चाहिए। और आज ऑटो रिक्शा भुखमरी के कगार पर है।